एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ वांगचिन की माय बोली का एक्सपर्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। जो हमारा प्यारे लवांगची और जेवजुन होते हैं, वो अपने अपने ओमेगा के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम, बहुत ही ब्यूटीफुल नाइट स्पेंड कर चुके होते हैं। दोनों ने अपने अपने ओमेगा को अपनी बाहों में भरा हुआ था। और जब वो दोनों सुबह उठते हैं तो वो अपने अपने ओमेगा का वार्म्थ फील कर सकते थे। लवांगची जो होता है वो अपने लिटिल ओमेगा को देख रहा होता है, वींग जो कि बहुत ही फ्रिजाइल, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लग रहा था उसकी बॉडी पे। न जाने ना जाने कितने मार्क्स छोड़े हुए थे उसे क्लेम करने के लिए। अब विंग को कॉलर पहनने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसे एक अल्फ़ा ने मार्क कर दिया था। दूसरी जगह हमारे जेवजुन जो थे वो भी निहोर सिंह को देख रहे थे बिना पलक झपकाए, क्योंकि उन्होंने निहोर सिंह को मार्क कर दिया था। और वो एक टकटकी लगाकर इतने ब्यूटीफुल से ओमेगा को अपनी बाहों में सोते हुए देख रहे थे, जिसकी हाइट काफ़ी छोटी थी जेवजुन के सामने। वो दोनों के दोनों अल्फा अपने अपने ओमेगा को चिक्किस करके उठाते हैं। विंग लंचा को देखता है जब उसकी आँख खुलती है और उसे अपने बाटों में दर्द होने लगता है। यह निहोर सिंह भी लैन शिचन को देखता है, उसके भी बॉटम में काफ़ी दर्द हो रहा था क्योंकि उसका भी जो ये प्यारा सा अल्फा था वो बहुत वाइल्ड था। जेवजुन ने भी अपनी ना जाने कितने सालों की सारी हसरतें वहाँ पूरी की हुई थी। और यहाँ निहोर सिंह भी शर्म से पानी पानी हो रहा था और उसे ये डर था कि उसे मार्क कर दिया गया है। अगर नीमिंगजू को ये बात पता चली, जो कि उसका बड़ा भाई था और लैन शिचन का एक अच्छा दोस्त था, तो कहीं इससे उनकी दोस्ती पे इफेक्ट ना पड़े। यहाँ वी विशियान जो कि जियांग से अपना सारा कॉन्टैक्ट 2 साल पहले ही ख़त्म कर चुका था, लगभग 1.5 से 2 साल पहले, और अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि लवांगची ने उसे क्लेम करके आज अपनी फैमिली बना लिया था। पर दोनों ओमेगा को एक डर जो कि बहुत तेज़ी से सता रहा था, वो डर और कुछ नहीं प्रेगनेंसी था। वो लोग अपने अपने अल्फा को बोलते हैं। वी विशियान लवांगची से कहता है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो। लवांगची जो है वो पलक झपकाते हुए उसे देखता रहता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं ब्रदर से कह के हमारी शादी की अरेंजमेंट कर दूंगा, अब हम 18 हो गए हैं। वहीं निहोर सिंह जो अपनी हीट के वजह से थोड़ा सा गुमराह हो गया था, लेकिन वो जेवजुन को देख के कहता है, दगा तो मुझे मार ही देंगे। तो वो लैन शिचन पूछते हैं, क्यों? तो निहोर सिंह घबराते हुए कहता है, हमने कल रात प्रिकॉशन यूज़ नहीं किए, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो। तो लैन शिचन हंसते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और हमारे बेबी को अपना लूँगा और मैं तुम्हारे ब्रदर से बात कर लूँगा कि मैंने तुम्हें एज अ ओमेगा मार्क कर दिया है, अब तुम्हें अपने घर जाने की ज़रूरत नहीं, तुम यहीं रह सकते हो लैन मैंशन में। मैं बहुत जल्द अंकल से कह के एक बैंक्वेट अरेंज करूँगा और वो बैंक्वेट मुझे अपने और तुम्हारे लिए नहीं बल्कि लवांगची और विंग के लिए भी अरेंज करना होगा, ताकि हम दुनिया में अनाउंस कर सकें हमने अपने अपने ओमेगास को मार्क कर दिया है। अब हमारे पास एक मार्क्ड ओमेगा है जो कि हमारा पार्टनर है और सोलमेट भी, क्योंकि जब कोई हमारा सोलमेट बन जाता है ना तो हम उसे अपने आप मार्क कर देते हैं अपनी रट के दौरान। तो निहोर सिंह कहता है, लेकिन ब्रदर तो मुझे सच में मार देंगे, तुम्हें पता नहीं है उन्हें वो कितने गुस्से वाले हैं। तो लैन शिचन कहता है, तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें अपने घर चिंगविला जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ रह सकते हो, तुम्हारे ब्रदर से मैं बात कर लूँगा और मैं उसे बता दूँगा कि मैंने तुम्हें अपना ओमेगा मार्क कर लिया अपनी रट में। निहोर सिंह स्माइल करते हुए कहता है, फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। लैन शिचन उसे हक करते हैं और कहते हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा ब्रदर मेरा दोस्त है और वो हंसते हंसते तुमसे शादी के लिए तुम्हारा हाथ मुझे दे ही देगा। यहाँ पर विंग जो है वो लवांगची से कहता है, अगर तुम्हारे अंकल को पता चल गया तो कि तुमने मुझे मार्क कर दिया है तो। लवांगची कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉर्निंग किसी ने सुनी नहीं होगी? कल रात इस पूरे लैन मैंशन की दीवारों को पता चल गया होगा कि मैंने तुम्हें मार्क कर दिया है। विभुचन कहता है, लेकिन मैंने किसी और की भी आवाज़ें कल रात सुनी थी। लंजा कहता है, सुनी तो मैंने भी थी, पर मैं रट में इतना पागल हो चुका था कि तुम्हारे अलावा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो विंग कहता है, लंजा मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मेरा बॉटम तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। लंजा कहता है, आज तुम रेस्ट करो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं चाहता हूँ आज पूरा दिन तुम मेरे साथ बिताओ मेरी बाहों में। विंग कहता है, और तुमने मुझे अपनी एक टी शर्ट खुली सी पहना दी और मैंने अभी तक नीचे कुछ पहना भी नहीं है, तुम कितने गंदे हो, नहीं मुझे चेंज करना है। तो वो विंग को हक करता है और उसके टमे पे हाथ रख के फेरता है और कहता है कि विंग
मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। शायद शायद इस हीट और रट के चलते तुम बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओ। मुझे इंतज़ार रहेगा हमारे छोटे आने वाले इंसान मतलब बेबी का। तो विंग कहता है, तुम कितने बुरे हो, मुझे आगे की पढ़ाई भी करनी है और तुम्हें पता है ना मुझे कॉन्सर्ट में भी जाना है। 3 महीने बाद मेरे एक कॉन्सर्ट है, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो मैं उस कॉन्सर्ट में कैसे जाऊँगा। लवांगची कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हर जगह सपोर्ट करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ नहीं है, सिंह भी सोच रहा होता है कि हीट में आकर उसने ये सब तो कर लिया लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वो ये बात सोच ही रहा होता है कि उसके फ़ोन पे नीमंजू का फ़ोन आने लगता है। वो तो डर के मारे कांपने लगता है और वो लिन शिचेन को कहता है कि दगो का फ़ोन आ रहा है। मैं दगो को क्या बोलूँ, मैं कहाँ हूँ, वो तो मुझे मार डालेंगे। और जब वो फ़ोन पे देखता है तो रात में उसके भाई की कम से कम 20 मिस कॉल्स थी। तो लिन शिचेन कहता है, तुम डरो मत, मैं फ़ोन उठाता हूँ और मैं तुम्हारे ब्रदर को बोल देता हूँ कि तुम मेरे साथ हो। बेचारा नी हो सिंह डरते डरते अपना फ़ोन लेन शिचन को देता है। लेन शिचन नी मंजू से बात करते हैं। नी मंजू पूछते हैं, शिचन तुमने फ़ोन क्यों उठाया है नी हो सिंह का। तो लेन शिचन कहते हैं, एक्चुअली कल रात नी हो सिंह मेरे साथ था। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। नी मंजू कहते हैं, क्या बताना चाहते हो। तो वो कहता है, मैंने तुम्हारे ओमेगा ब्रदर को मार्क कर दिया है और मैं जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहता हूँ। नी मंजू कहते हैं, क्या ये कब हुआ, और तुम्हारे और नी हो सिंह के बीच अफेयर, मुझे तो कभी पता भी नहीं चला ऐसा कुछ था। तो लेन शिचेन कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था लेकिन अब तुम्हारा ब्रदर मेरा पार्टनर है और मेरा सोलमेट भी। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपनी वेडिंग बैंक्वेट के बारे में कुछ बात कर लें और अब मैंने उसे मार्क कर दिया है तो वो मेरे साथ ही रहेगा लेन मेंशन में। अगर तुम्हें ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं अब अपने ओमेगा को अपने साथ रखना चाहता हूँ क्योंकि वो मार्क हो चुका है और मुझसे दूर जाते ही तुम जानते हो ओमेगा को उसके अल्फा से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रखा जा सकता। ये बात तो कहीं ना कहीं नीम जो भी मानता था। तो वो कहता है, ठीक है लेकिन ये सब हुआ कैसे, तुम और मेरा भाई तुम दोनों तो बिल्कुल ऑपोजिट हो, तुम्हारा नेचर भी अलग है, तो तुम ये सब कैसे कर सकते हो और ये कैसे हो गया। लेन शिचेन कहता है, एक्चुअली थोड़ा सा एम्बेरसिंग है लेकिन वो थोड़ा पर्सनल भी है, तो मैं तुम्हें शादी के बाद बताऊँगा, उससे पहले मुझे अंकल और लवांगची को भी अनाउंसमेंट करनी है। निमंजू कहता है, लवांगची को भी नहीं पता कि तुम नी हो सिंह के साथ हो, तुम दोनों आपस में डेट कर रहे हो। तो लिन शिचेन कहता है, अभी तो किसी को भी नहीं पता था, क्या करूँ। वो मन में सोचता है, ये बात तो कल रात ही मुझे पता चली, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरी रट इतनी जल्दी मेरे ब्रदर की वजह से हिट हो जाएगी और एक ओमेगा को मैं मार्क कर दूंगा। ओह शिट, कोई सोचेगा मुझे कंट्रोल ही नहीं है अपनी अपनी इच्छाओं पे, अपनी बॉडी पे, शिट। वो ये सब बातें नी मिंजू को तो नहीं बता सकता था। तो वो कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे खाना भी है और मुझे बहुत सारे काम हैं। नी मिंजू भी फ़ोन रखते हैं और कहते हैं, मेरे ब्रदर का ख्याल रखना। लिन शिचेन उन्हें आश्वासन देता है और कहता है, बिल्कुल आज से वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके कुछ कपड़े तुम अगर भेज सको तो भेज देना अपने किसी सर्वेंट के हाथों, अब से वो मेरे घर में ही रहेगा लैन हाउस में। ये बात सुन के नी मिंजू काफ़ी खुश थे कि उनका जो ब्रदर था, जो चुलबुला नी हो सिंह था, वो किसी बुरे हाथों में नहीं गया। वो लिन शिचेन के हाथों यानी कि लिन शिचेन को अपना अल्फा चुना है जो कि बहुत ही जिम्मेदार इंसान है। यहाँ पर वी वुशियन सोच रहा होता है कि अगर उसकी शिजे को पता चल जाए तो शिजे कितनी खुश होंगी। वो मन ही मन सोच रहा था कि शिजे को उसे बता देना चाहिए, उसकी शिजे की शादी जिन जिशुन से हो चुकी थी और जो जंगशा था वो अभी भी कुआरा था। जंगशा जो था ना, उसे और कोई नहीं हमारा बीटा पसंद था, जो कि हमारा बीटा और कोई नहीं हमारा वेन निंग था। एक्चुअली पिछले 2 सालों में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, लोगों की पर्सनालिटी, लोगों की चॉइसेस और बहुत सारी चीज़ों में अंतर आ गया था। जो हमारा नीहू सिंह था वो लिन शिचेन के घर आना जाना उसका काफ़ी हो गया था और उसका जियांग्स के यहाँ आना जाना था बट इतना नहीं। और लवांगजी को नी हो सिंह से इसलिए प्रॉब्लम भी नहीं होती थी क्योंकि वो एक ओमेगा था उसका। जब विंग के साथ होता था वो, लवांगजी को इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि वो कभी भी विंग को गलत नज़र से नहीं देखेगा। और इस बीच जो हमारा नी हो सिंह होता था, जब भी वो लैन मेंशन आता था उसकी नज़र अक्सर जिवजुन पे टिकी रहती थी और उसे जिवजुन धीरे धीरे काफ़ी पसंद आने लगे थे, जो कि उसके बड़े भाई अल्फा नी मिंगजू के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और
न्यूहे सिंह को हमेशा लगता था कि उसे जेवजुन को अप्रोच करना चाहिए, लेकिन उसे लगता था कि जेवजुन की, हो सकता है जेवजुन की इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, उनका कोई और लवर हो, उनका कोई ऐसा इंसान हो जिसे उन्होंने मार किया हो, और लवांगजी ने वींग से पहले ही छोटा सा झूठ बोला हुआ था कि जेवजुन के अपना एक पार्टनर है। तो हर बार जो हमारा निहो सिंह होता था उसे लगता था कि शायद जेवजुन का आपस में कोई पार्टनर है, क्योंकि वींग अक्सर कहा करता था जेवजुन कमिटेड है। तो यह निहो सिंह को पता ही नहीं था कि लहंजा ने अपने लवर से पोजेसिवनेस में आकर झूठ बोला हुआ था, और वो बेचारा कभी भी जेवजुन से अपने दिल की बात नहीं कह पाता। लेकिन उस हीट ऑफ द मोमेंट वो दोनों एक दूसरे से चीज़ें कन्फेस कर देते हैं और एक दूसरे को मार्क भी कर देते हैं। निहो सिंह खुद को ब्लेस समझ रहा था कि उसे उस अल्फा ने मार्क कर दिया जिसे वो पसंद करने लगा था। यहाँ हमारा वी वुशियान भी काफ़ी शर्मा रहा था, उन सबको खाना खाने के लिए नीचे जाना था। तो लवांगजी वी वुशियान को गोद में उठाता है और उसके साथ शार में जाता है। वो दोनों शार में एक दूसरे के साथ गर्म पानी के अंदर खुद की बॉडी को सॉप करते हुए बहुत अच्छे से बाथ टब में नहाते हैं, और उसके बाद कपड़े चेंज करके वो लोग नीचे जाने को होते हैं। वी वुशियान की बॉडी में अभी भी पेन था, तो लवांगजी उसे अपनी गोद में उठा लेता है, और वो लवांगजी जो होता है ना वो निहो सिंह सॉरी वी वुशियान को नीचे खाने की टेबल में लेके आता है अपनी गोद पे। यही जो हमारे लंच अचान होते हैं ना, वो नीचे के गेस्ट रूम में निहो सिंह के साथ सब चीज़ें कर चुके होते हैं, और वो भी निहो सिंह के साथ शार लेते हैं। और आखिर दोनों थे तो भाई ना, तो दोनों की आदतें भी कहीं ना कहीं सिमिलर थी। वो भी अपने बॉटम यानी कि अपने ओमेगा को गोद में उठाकर खाने की टेबल तक लाते हैं। दोनों जो ओमेगा होते हैं वो एक दूसरे को देख के शॉक्ड, और दोनों लैन ब्रदर्स भी। तभी लवांगजी कहता है ब्रदर आप, तो लंच अचान कहते हैं कल मेरी भी हीट मेरी भी रट हिट हो गई थी। और निहो सिंह वो कल वांगजी वींग से मिलने आया हुआ था, और इसलिए जब वो यहाँ आया तो हम दोनों की हीट और रट ट्रिगर हो गई थी, फिर हम दोनों ने अपनी हीट और रट साथ बिताई, और मैंने उसे मार्क कर दिया। लवांगजी ये बात सुनकर उसकी आंखें खुली रह जाती हैं कि उसके ब्रदर ने भी किसी को कल ही मार्क कर दिया। और वी वुशियान भी शॉक्ड होता है और कहता है क्या जेवजुन आपने मेरी बेस्ट फ्रेंड को मार्क कर दिया। तो जो निहो सिंह होता है ना वो शर्म से अपना मुंह जेवजुन के जो चेस्ट होती है उसमें छुपा लेता है और कहता है वींग ऐसे मत बोलो, मुझे पता है कल तुमने भी लवांगजी को मार्क कर दिया होगा, तो तुम मेरे बारे में इतना ऐसा रिएक्ट कैसे कर सकते हो। तो वी वुशियान कहता है क्योंकि तुम सबको पता था मैं और लंजा कपल हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में हमें कभी पता ही नहीं था। तो जो हमारा निहो सिंह कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार हिंट तो दिया था कि मुझे जेवजुन बहुत पसंद है। वी वुशियान कहता है लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जेवजुन भी तुम्हें पसंद करेंगे और माफ कर देंगे। जेवजुन कहते हैं ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन मैंने अपनी फर्स्ट रट अपने ओमेगा के साथ बिता ली है और उसे माफ भी कर दिया है, तो अब मैं निहो सिंह को लेके हमेशा जिंदगी भर लॉयल रहूँगा, क्योंकि हम लेंस एक बार प्यार करते हैं और जिससे प्यार करते हैं उसे जिंदगी भर प्यार करते हैं। यह बात सुन के वी वुशियान को भी प्राउड फील होता है, क्योंकि लवांगजी भी उसे कभी नहीं छोड़ेगा। तो कहता है निहो सिंह इसका मतलब हम बहुत जल्द रिश्तेदार भी बनने वाले हैं, यानी कि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ के हस्बैंड होगे। तो निहो सिंह कहता है बिल्कुल, आपसे हम फ्रेंड्स भी हैं और रिलेटिव्स भी। तो वो दोनों के दोनों ओमेगा हंसने लगते हैं और वो कहते हैं अब हम लैन ब्रदर्स पे रूल करेंगे ये। वो दोनों के दोनों एक दूसरे को हाथ हवा में उठाते हैं और दूर से ही हाई फाई करते हैं। दोनों ओमेगास को लैन ब्रदर जो है डाइनिंग टेबल पर बैठाते हैं और खाने के लिए पूछते हैं। लैन चिचन तो बेचारा निहो सिंह को ही देखे जा रहा था और वांगजी से आँख मिलाने में कतरा रहे थे, और यहाँ पर लवांगजी वी वुशियान को देखे जा रहा था जो बहुत प्यार से कुतर कुतर के सारा खाना खा रहा होता है। दोनों ओमेगास के शोल्डर पे उनके अल्फा मार्क रिफ्लेक्ट हो रहे थे, और वो प्राउडली उसे रिफ्लेक्ट कर भी रहे थे क्योंकि आखिर उनके अल्फाज ने उन्हें मार्क कर दिया था। वहाँ पर जब वी वुशियान के चेहरे पे कुछ लग जाता है तो लवांगजी अपने थंब से उसके लिप्स को साफ करता है और वो थंब पे लगी हुई सॉस खा जाता है। वी वुशियान कहते हैं वांगजी ऐसे मत करो, जेवजुन सामने हैं। जेवजुन कहते हैं अब तुम कपल हो तो तुम्हारे बीच सब चीज़ें चलती हैं, वैसे अब मेरे पास भी एक कपल है। तो लवांगजी
अब मुझे भी लोनली रहने की ज़रूरत नहीं। मैं सोच रहा हूँ, मैंने नीमिंगजू से बात किया है, हम जल्द ही एक बैंक्वेट रखेंगे, वेडिंग बैंक्वेट, और उसके बाद एक फीस्ट रखेंगे, फिर हम सारे हनीमून पे जाएंगे। कैसा लगा मेरा प्लान? वो सारे के सारे शॉक्ड होते हैं और खुश भी, और वो सारे के सारे एग्री करते हैं। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि 65% या 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। बेल आइकन को प्रेस कर दें और प्लीज़ वांगशन लोगों के साथ शेयर कर दें, जो भी वांगशन के फैंस हैं। बाय बाय।